दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी क्रिकेट में एक नई हलचल हुई, पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड ने रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम जो थी वह पाकिस्तान पहुँच चुकी थी, होटल में ठहरी हुई थी, लेकिन फाइव आईज़ के कारण, दोस्तों मैं आपको एक नया अपडेट दे रहा हूँ, ये फाइव आईज़ के कारण न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। इस समय पाकिस्तान की टीम होटल में ठहरी हुई थी, उनको धमकियां मिल रही थी और उसके तहत न्यूजीलैंड सरकार ने अपनी टीम का आधिकारिक दौरा रद्द कर दिया। जब ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता चली तो वो विदेश के दौरे पर थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को मनाने के लिए कि आप ये दौरा रद्द न करिए, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में देते हुए इस दौरे को रद्द कर दिया। इसके कारण पाकिस्तान की पूरी दुनिया में और क्रिकेट जगत में बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि 18 साल के बाद वहां पर कोई भी घरेलू सीरीज होने वाली थी। इसके पहले जैसा आप जानते हैं श्रीलंका की टीम पर अटैक किया गया था और श्रीलंका की टीम जो थी वापस अपने देश चली गई। दोस्तों अब ये मैं आपको बताता हूँ ये फाइव आईज़ क्या हैं। फाइव आईज़ 5 देशों का एक गुप्तचर संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ये फाइव आईज़ में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया जासूसी संगठन है जिसके तहत पूरी दुनिया में कहां पर क्या हो रहा है उनको सब पूरा पता चलता रहता है, जिसके कारण ये दौरा रद्द हुआ। अब ये फाइव आईज़ जो है ये कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था, लेकिन जब अमेरिका पर आतंकी अटैक हुआ तो ये फिर से सक्रिय हो गया। ये फाइव आईज़ जो हैं इसका विस्तार किया जा रहा है और उस विस्तार के कारण चीन की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दोस्तों, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही चाहते हैं कि हिंद महासागर में यदि अपनी प्रभुसत्ता कायम रखनी है तो भारत को इस फाइव आईज़ में शामिल होना चाहिए। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत और जर्मनी, ये दोनों देश इस फाइव आईज़ में शामिल हो जाएं, जिससे भारतीय गुप्तचर संघ जो है वो व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ये फाइव आईज़ संगठन के कारण ही चीन जो है इस समय अलग थलग पड़ा हुआ है पूरी दुनिया से, क्योंकि अभी आकस बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं, जो उसकी चिंता का कारण है। और अगर भारत भी इस फाइव आईज़ में शामिल हो जाता है तो एक तरह से भारत का जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा। ये न्यूजीलैंड का दौरा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में कैंसिल हुआ है, ये फाइव आईज़ के कारण हुआ है। इससे पूरी दुनिया में और खेल जगत में पाकिस्तान की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। तो मैं ये आपको अपडेट दे रहा था कि ये पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड ने क्यों रद्द किया, आतंकी हमले की वजह से। उनको ऐसी सूचना मिली थी कि मैच के दौरान जब मैच ख़त्म होगा तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा आतंकी हमला होगा, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हर संभव कोशिश की कि यह दौरा न टाला जाए जिससे उनकी किरकिरी नहीं हो, लेकिन यह दौरा रद्द हुआ। इसका कारण फाइव आईज़ थी। फाइव आईज़ ने जो दुनिया उनको जो संदेश दिए कि आप पर आतंकी हमला हो सकता है, इस कारण से यह दौरा कैंसिल हुआ। दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है कि हम भी फाइव आईज़ में शामिल होने जा रहे हैं, जो चीन की चिंता का सबक बना हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।